बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़मान में रखे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ये स्वीट रेसिपी गजरेला। इसके लिए मैंने ली है गाजर 1 किलो, इनको मैंने श्रेडर कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इनका मैं पहले पानी ड्राई करूँगी अच्छी तरह से, 4 से 5 मिनट लगेंगे और पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 4 टीस्पून ऑयल और इसकी भुनाई करूँगी 5 मिनट के लिए। अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर लिया। अब इसमें मैं 4 किलो दूध डाल रही हूँ और इसको मैं पकाऊंगी। इस स्टेज पे आप इसे छोड़ के कोई काम भी कर सकते हैं। एक बॉयल आए तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपसे शेयर करती हूँ। चावल मैंने भिगो के रखे थे, उनको मैंने ग्राइंडर जग में ग्राइंड कर लिया। 1/2 कप मैंने चावल लिए वो इसमें मैंने डाले हैं और इस स्टेज पे हम इसको मुसलसल हलाते जाएंगे ताकि इसमें चावलों की गुठलियाँ ना बने और ये जले ना। सब्ज़ इलायची मैंने इसमें डाली है 3, खुशबू के लिए। बहुत ही प्यारा खुशबू वाला फ्लेवर इसमें ऐड करूँगी मैं, वो लास्ट पे। पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। हम इसको मज़ीद पकाएँगे। स्टेज पे मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, 2.5 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसको फिर पकाऊँगी। अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा सा ना हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैंने इसमें थोड़े से नट्स डाले हैं, बादाम, आप देख सकते हैं। आपको जो पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो मैं फ्लेवर आपको बोला था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मज़ेदार सा गजरेला बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।